सत्यानाश हो, अगले जन्म में चीटा बनेगा ससुर। सुनो, अरे अभी हम रपट लिखाने जाएंगे ना इसके अपहरण की, तो साथ में चोरी की रपट भी लिखवा देंगे। रेडवा की लिखवाना। भैया, अब बहू को चौखट के अंदर भी तो लेके जाना है, हम लोग निकले अब। हाँ, यहाँ अंदर पड़ गया सब, तो चलो जल्दी। चलो चल बेटा, चलो रेडवा, तू निकालना। हाँ चल, तू भी ढूंढना रेडवा, हमारा दूसरा पुराना चिता बच गया। कल सत्यनारायण पूजा है, अमित और बहुरिया को लेके आ जाना है। बहुत देर हो रही है, हमें अब निकलना चाहिए भैया। थोड़ी देर और रुक जाए, मन नहीं लगेगा। हाँ? अम्मा, आ जाएगी ना कल, कहाँ चिंता कर रहे हैं। ठीक है, तुम नाक रगड़ के नाचोगी ना अम्मा, तब भी नहीं आएंगे। जिंदगी में ऐसा झटका दिया है तुमने। इतना भी क्यों रो रही हो दादी, ऐसे जी कल फिर से आ जाएगी। अम्मा मकर देखा मम्मी। भाभी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, भुआ और दादी का ना ऊपर से कनेक्शन है। जब भी भुआ जाती तो दादी इसी तरह से रोती है। इतनी जोर से। अम्मा जी, सोच रहे हैं कि जीजी अब खाली घर का ताला तो खोलेगी तो हम लेके जाते हैं ना रानी को। हाँ, उसका गृह प्रवेश करवा देंगे आरती करके। कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी अमित के पापा डटे हैं उधर घर में। अच्छा, सब संभाल लेंगे। हाँ रहने दो खुशिया, तुम्हारी नई बहू आई है, उसे कौन देखेगा है? हाँ? इसकी नई का सुख उसे लेने दे। भांजी मत मार, जा टिफिन ले आ सला का। हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये सुमन इस घर में कुंडली मार के जमने की सोच रही है। दादी, ये आपके जाने की फाइनल टिकट, ये लो। अरे बेटा साहिल, ये टिकट कैंसिल करवा दे। क्यों? हम अभी जाना नहीं चाहते। वहां मम्मी भी जाने का नाम नहीं ले रही, यहाँ आप भी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो टिकट फाइनल होगी ना तो। हाँ हाँ, तो टिकट अच्छे से रख दे। बुआ जी को मैं स्टेशन छोड़ने जा रहा हूँ, तब मुझे टिकट दे देना, ठीक है? अच्छा ठीक। हाँ क्या हुआ? अनुपम बेटा, हमारा ना जाने का मन नहीं हो रहा है, हमें रिया बिटिया की याद बहुत सता रही है। अरे बुआ, चिंता क्यों कर रहे हो? रिया से हमने आपकी बात करा तो दी, ससुराल में खुश है ना वो। हाँ लेकिन हमने ना शांतिया को सपने में देखा, तभी से हमें बहुत डर लग रहा है। अब आप उनको सपने में भी देखने लग गए? अरे हम आपसे पूरी शादी में पूछते रहे, बात क्या है अब बता दो बुआ जी। नहीं आप बैठो, बताइए मुझे। अरे अनुपम, अगर हम बता देते उस वक्त तो तुम और रिया टेंशन में आ जाते ना। बुआ आपने कहा था शादी का माहौल है, खराब हो जाएगा, अब शादी निपट गई ना। पर बेटा, बुआ जी मेरी बेटी की शादी हुई है उस घर में, पता होना चाहिए ना अम्मा ने क्या बुरा किया है ना। अरे रिया की शादी जब उसके नाती से हो रही थी तो हमें तसल्ली हो गई थी कि चलो कम से कम शांतिया हर वक्त उसके पास नहीं रहेगी, मगर अभी तो उसके पोते के साथ शादी हो गई है, अब तो पूरे टाइम शांतिया उसके पास ही रहेगी। बस इसी बात की हमें चिंता हो रही है। चिंता क्यों रहती है बताइए ना। ठीक है बताते हैं। शांतिया और हम दोनों बचपन की सहेली थे,
हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, तब 16 बरस के रहे होंगे हम लोग। लेकिन शांतिया ना बहुत लड़ाका थी, सबसे बेतुके से बात करती थी, इससे मोहल्ले वाले कोई भी बात नहीं करते थे क्योंकि ये बहुत चलाक थी और हम बहुत भोले। हाँ जी, दुल्हन कहाँ है? बुला, हमारे साथ आके जरा बैठे। ठीक है ना? हाँ। जूस लेकर आते, पहले आप पी लो। अब लो फोन नहीं उठाएगी ये लड़की का, क्या करे हम? हमने बिगाड़ के रखा है। चल रही सलाह उठा। ओ का जूस निकालने बैठी है? आपस हो गया अम्मा जी, लो पी लो। अभी रात को जूस पिया? नहीं नहीं, पी लो, थोड़ी शक्ति बनी रहेगी, कफ बन जाएगा, कुछ नहीं होगा, पी लो। किधर है दुल्हन? अंदर है, बुलाते हैं। रिया? हाँ जी। अम्मा जी के साथ चल के बैठ जाओ, थोड़ा सा थोड़ी सी उदास है, उनका मन बहल जाएगा। तुम भी चलो, तुम भी चलो बेटा। तुम कहाँ आए? तुम दुल्हन हो? हम दुल्हन के साथ बात करना चाहते हैं सर को। वो हमने ही कहा था उसे अम्मा जी। आ गई भाभी है? ये हम कहाँ सोच रहे हैं? सुनो सुनो, है तुम्हारा नाम क्या है? रिया। हाँ, और तुम है वो बहू ही घर की? हम तुम्हें बुलाएंगे बहुरिया, बहुरिया, है ना? बहुरिया, बहुरिया। हम जानते हैं बहुत थक गई होगी, रुका है कि मोहल्ले वाले तुम्हें देखने के लिए उतावले हो रहे होंगे, शायद आ जाए है? फिर ऊपर से बुलाना पड़े। अच्छा एक बात बता, ये तुम्हारी बुआ दादी जो है ललिया, थोड़े दिन रहेगी का मुगल सराय में? हैं? नहीं नहीं, आज तो यहाँ पे है, लेकिन कल उनकी टिकट है तो कल वापस चली जाएगी। कल ही रह लेती कुछ दिन है? आई है तो का है, शादी के घमासान में 2 मिनट भी बैठ नहीं सके बात करने, लड़ते झगड़ते ही रहे। चलो कछु ना। दादी जी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछू। अब आप और दादी बुआ तो बहुत अच्छी सहेलियां थी ना? अरे बहुत अच्छी सहेलियां क्या, बहने थी बहने हम, हैं? एकदम सोले की जो जय जीवर और वीर दयाल है ना, बस वैसे हमारी जोड़ी थी। जय जीवन और वीर दयाल? मतलब जय और वीरू? हाँ, सोले के जय वीरू, और कहानीकार ने पहले उनका नाम रखा था जय जीवन और वीर दयाल। रेडवा पर सुना है हमने। अगर आप दोनों इतने अच्छे दोस्त थे तो फिर क्या हुआ जो आप लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते हो? अब कहाँ बताएं, बड़ी खून जलाओ कहानी है, पसीने छूट जाते आज भी हम सोचते हैं तो। तुम पूछ रही हो तो हम बता देते हैं। बड़ा अच्छा समय था वो, है एकदम चिपक जोड़ी थी ललिया शांति की। एक दिन ऐसे ही खेलते खेलते हम लोग पहुंच गए मंदिर। एक दिन ऐसे ही खेलते खेलते हम लोग पहुंच गए मंदिर। ये ना
हमें घसीट के उस मंदिर में ले गई। वहां लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जाते थे और इसने हमें उस पाप का भागीदार बना दिया। एक नंबर की चोरनी थी ये। मंदिर में चोरी? हाँ चोरी। अब हम तो बड़ी सीधी लड़कियां थी, चोरी के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। पर उन दिनों का था न रेडिवा न टीवी है, मन बहलाने के लिए का करे, टाइम पास का करे है? उनाई था है? तो या तो खेत में जाके खेलो या फिर मंदिर चले जाओ। कारी कुसिया में कहानी सुनने में बड़ा मजा आ रहा है और हवा गला सूख रहा है। लेकर जल्दी आ, जल्दी हमारी कहानी छूट जाएगी। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर अब मंदिर में क्या होता था? रंग बिरंगे कपड़े, जेवर, चढ़ावा है, प्रसाद, मिठाइयाँ। तो हम दोनों का मन ललचा जाता था। अब उस दिन ललिया से रहा ना गया, बहुत मन ललचा गया। अब उसकी सेहत तो जाती है। और मिठाई की बड़ी शौकीन, तो हमने कहा ठीक है, उठाला दो चार लड्डू हम पहरा देते। और वो चली गई करने चोरी। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गुर्जा, मंगलम कुंडली काक्षाय, मंगलाय तनो हरि। का देख रही है ललिया? अरे देख रहे हैं या कितने सुंदर कपड़े और जेवर चढ़ा रहे हैं। वो देखो वहाँ एक नद भी है। हमें तो बड़ी पसंद है नद। हाँ तो करना का है? अरे नद चुराना है और का। ऐसे कैसे चुरा लेंगे, मंदिर की नद है, पाप लगेगा पाप। अच्छा ठीक है, नद नहीं चुरा सकते तो का होगा? चढ़ावा तो चुरा सकते है। पर सुन शांतिया, पहले से बता रहे आधा आधा बांटेंगे और घर में बाबूजी को मत बताना। हमने उसको बहुत समझाया कि ऐसा मत कर शांतिया, मंदिर में चोरी करना पाप है, मगर उसने तो हमें ही डरा दिया कि तुझे हम फंसा देंगे चोरी के इल्जाम में। हम भोले थे, हम डर गए। फिर कहा था कि हमने भी उसका साथ दे दिया, मंदिर में चोरी करने का पाप कर दिया। पंडित जी सुनिए जरा। जी आया। कहाँ कहाँ मरम्मत करवानी चल के दिखाइए जरा। चलिए। पुजारी जी आपको बुला रहे हैं। तुम्हारे पास ज्यादा है, चलो थोड़ा हमको दो। कुछ कम ज्यादा नहीं है, बिल्कुल ठीक दिए हैं हम। अरे तुम्हारे पास दो पैसे ज्यादा है, चल निकालो। बचपन की शरारत थी, ज्यादा अकल ना आई थी, ज्यादा समझ ना आई थी है? तो जब पंडित ने पकड़ लिया ललिया को तो उसने इल्जाम डाल दिया हमारे सर पे। तुमको हम पर विश्वास नहीं, दे लो सारा रख लो। अरे अब तो मंदिर का पैसा चोरी करेगी, चोर कहेगी। अरे मंदिर का पैसा चुराया, अरे भगवान पाप देगा तुम्हें, किसी को बताना मत ही, नहीं तेरे ब्याह नहीं होने वाला। अरे ललिया इसका साथ मत देना, तेरा भविष्य खराब कर देगी ये। चल पैसा वापस दे। गुस्सा बड़ा आया, बहुत गुस्सा आया। हाथ सोचते हंसी छूट जाती है। पर दादी आपने माफ नहीं किया होगा बुआ दादी को, मतलब आपने तो जरूर कुछ कहा होगा।
है ना? बचपने की दोस्ती थी छोटी रानी, माफी माफी ना ही होती उसमें है? हम लड़ते थे, फिर मिलते थे, फिर झगड़ते थे, फिर मिलते थे, फिर लड़ते थे, फिर झगड़ते थे, ऐसे तो थे हम। एक पूरा दिन हम मुंह सुजा के बैठे घर में, पर शाम हुई नहीं और वो आ गई हमसे मिलने। शांतिया हमें माफ कर दे, गलती हो गई ना, अभी ऐसा फिर से नहीं होगा। हम समझते हैं ललिया कि तुमने अपने आप को बचाने के लिए हमें चोर बता दिया था। देखो शांतिया, हम बहुत डर गए थे इसलिए सारा इल्जाम तुम पर डाल दिया, अब भूल जाओ ना उस बात को। चलो ठीक है, मिट्टी डालो इस बात पर। ललिया तुझे एक दिन रुलाना दिया ना तो हमरा नाम भी शांतिया नहीं। हमें लगा कि वो मंदिर से मिठाई चुराएगी, मगर उसने तो चढ़ावे का पैसा भी चुरा लिया और सारा इल्जाम हमारे ऊपर लगा दिया। तब हमें पता चला कि वो बोलती कुछ और है और मन में कुछ और रखती है, मगर बचपन की दोस्ती के कारण हमने उसे माफ कर दिया। हाँ, मन में कोई चोर नहीं था, मैं जो किया आंख और नाक ऊंची करके किया है। हमारी दोस्ती भी थी बड़ी गहरी, हमारी दोस्ती को लग गई सबकी नजर। क्यों, ऐसा क्या होता दादी? अब देखो बड़ी दबी बात बताने जा रहे हैं रिया बिटिया, बहुरिया पूरा मत मानना। देख बचपन की शरारत थी है इसलिए बता रहे हैं, अभी 16 साल की उम्र में यहाँ ज्यादा चहल पहल नहीं होती। तो अब हुआ यूं कि उस दिन ललिया को ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए जहां एक कुश्ती का मुकाबला हो रहा था। कुश्ती का मुकाबला। ललिया भी वहीं पे थी, कुश्ती देख रही थी। अरे उन दिनों यही तो था हमारा मनोरंजन है, कुश्ती देखने चले जाते थे ये पहलवान हमारे, धर्मेंद्र हुआ करते थे। डटके बैठ के कुश्ती देखने। अरे शांतिया तू यहाँ का कर रही है? हाँ वो कुछ नहीं। बता कुछ तो बात है। अच्छा अगर हम तुमको एक बात बताएंगे तो किसी के कान में तो नहीं सरकाओगे? अरे हमने आज तक तुम्हारे राज को रेगिस्तान बनने दिया है का, जो कोई भी ऊँट टहलने आ जाए। अच्छा वो पहलवान देख रही हो? कौन सा वाला? अरे वो उधर जो मूछ वाली को पटकनी दे रहा है। हाँ तो क्या हुआ? अरे वो तुम्हारा जीजा बनने वाला है। हमरा जीजा? पर हमारी तो कोई बहन ही नहीं है। तो फिर हम का है? तुम तो अच्छा तो ओ हमरा जीजा। तुम तो बस रहने दो, हम तो पराए हैं ना, सहेली थोड़ी ना बहन होती है। अच्छा अच्छा वो लच्छू पहलवान तुम्हें पसंद है का? आए हाय देखो तो शांतिया का दिल पहलवान पे पसर गया, अब तो शादी के सपने भी देख रही होगी है ना?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।